और जब वो यूनाइटेड स्टेट्स लौटा तब स्पेक्टर ने अपने सारे पैसे जो कि उसने इकट्ठा किए थे अपनी मर्सिनरी स्किल्स से, वो उसने एक स्मॉल फॉर्चून डेवलप करने में लगा दिए और उसने अपने मर्सिनरी पास्ट को भुलाने के लिए एक नई आइडेंटिटी क्रिएट की जो कि थी एक मिलियनियर की, जो था स्टीवन ग्रांट्स। और उसने लोगों के साथ जुड़े रहने के लिए और साथ ही साथ वहाँ पर हो रहे क्रिमिनल एक्टिविटीज को जानने के लिए एक टैक्सी कैब ड्राइवर की आइडेंटिटी क्रिएट की जो कि थी जैक लोकली की, और वो खुद यानी कि मार्क स्पेक्टर, ऐसे उसने तीन आइडेंटिटीज क्रिएट की। फर्स्ट अपीयरेंस में एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन द कमिटी मार्क स्पेक्टर को मून नाइट के नाम पर उसके कॉस्ट्यूम्स और वेपन्स सिल्वर यूज करके प्रोवाइड करती है ताकि वो जैक रसल को मार सके, और वो जैक रसल को लॉस एंजलिस में पकड़ लेता है जो कि था वेयरवुल्फ, लेकिन वो उसे फ्री भी कर देता है और कमिटी के काम में रुकावट पैदा करता है। वो लड़ चुका है कॉन्कर लॉर्ड से, उसने स्पाइडरमैन के साथ टीम बनाकर साइक्लोन को हरा दिया है। वो लड़ चुका है लुपिनर से, उसके ब्रदर रैंडल से। राइटर चार्ली हस्टन ने 2006 में मून नाइट को रिलॉन्च किया ये बताने के लिए कि बैटमैन और मून नाइट एक जैसे नहीं है। ये उन्होंने कॉमिक्स फैन के एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, जहां पर एक इंटरव्यूअर ने ये नोटिस किया था कि दोनों के कंपैरिजन में उनका ओरिजिन बेसलेस नहीं है बल्कि लगभग सेम है। दोनों ही नॉर्मल ह्यूमंस है और दोनों ही क्राइम फाइटिंग के लिए गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं और दोनों ही अमीर है। तब हस्टन ने ये एक्सेप्ट किया कि दोनों कैरेक्टर्स की बहुत सारी सिमिलैरिटीज है, लेकिन अगर हम डीप में सोचे तो उन दोनों में भी काफी डिफरेंस है। जहां तक देखा जाए कि ब्रूस वेन कहता है कि वो क्राइम फाइटर बना क्योंकि उसे अपने माता पिता के मर्डर का बदला लेना था, जहां पर मून नाइट इसके अलग इसलिए क्राइम फाइटर बना ताकि वो इजिप्शियन गॉड को सर्व कर सके और अपने किए गए पापों को, यानी कि जब वो मर्सिनरी था तब जिन लोगों को उसने मारा उसके बदले में पश्चाताप करने के लिए वो क्राइम फाइटर बन चुका था। बैटमैन मोटिवेट हुआ एक मर्डर के कारण और मार्क स्पेक्टर मोटिवेट हुआ एक गॉड के कारण। अगर देखा जाए तो इजिप्शियन गॉड ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। जहां तक बैटमैन का सवाल है, उसके पास सिर्फ एक अल्टर ईगो है जो है ब्रूस वेन का, लेकिन अगर देखा जाए तो मून नाइट के पास तीन तीन अल्टर ईगोज है जो कि डिफरेंट पर्सनैलिटीज के लिए है और डिफरेंट कामों के लिए, तो वो दोनों ही लगभग अलग हो जाते हैं इस वजह से।